हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द साउंड ऑफ म्यूज़िक चैप्टर का पार्ट टू, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें बिस्मिल्ला खान के बारे में बताया गया है और स्टोरी ऑफ शहनाई की, किस तरीके से शहनाई अपने अस्तित्व में आई उसके बारे में बताया है। तो एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस, फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। तो जो एम्परर औरंगजेब थे, उन्होंने बैन कर दिया था जो पुंगी एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको बजाना मना कर दिया था रॉयल रेजिडेंस में, मतलब जो शाही दरबार था उसमें अब पुंगी जो है वो नहीं बजाया जा सकती थी, क्योंकि उसकी श्रिल, बहुत ही तीखी सी और अनप्लीजेंट जो आवाज़ अच्छी नहीं लगती थी, इस टाइप की उसकी आवाज़ थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर द रीडेड नॉइज़ मेकर्स। तो पुंगी जो है फिर वो एक नेम ही बन गया जो रीडेड नॉइज़ मेकर्स होते थे, मतलब जो एक ऐसे विंड इंस्ट्रूमेंट जो हवा की हेल्प से चलते हैं, जैसे कि फ्लूट हो गया। फ्लूट होता है ना कि उसके उसमें छेद बने हुए होते हैं और उसको साउंड में कोई कहीं पर उसके जो छेद होते हैं उसको दबा करके कहीं से उठा करके उसको बजाया जाता है। तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उसका जेनरिक नेम बन गया पुंगी। अब कुछ लोगों को ही, बहुत ही कम लोगों को लगा था कि इसको दोबारा रिवाइव किया जा सकेगा, मतलब दोबारा ऐसी किसी चीज़ को बजाया जाना शुरू किया जा सकेगा। फिर एक बार क्या हुआ, एक बार्बर की फैमिली का था, वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन था, काफ़ी अच्छा म्यूज़िक बजाता था, हु हैड एक्सेस टू रॉयल पैलेस, और वो रॉयल पैलेस में भी जो है वो बजाया करता था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। एक बार्बर था, प्रोफेशनल म्यूजिशियन भी था वो, तो उसने डिसाइड किया कि पुंगी की जो क्वालिटी है, जिस तरीके से उसकी आवाज़ आती है, उसको वो ठीक करेगा। तो उसने क्या किया, एक पाइप को चूज़ किया और उसमें क्या किए, बड़े बड़े से ना उसमें छेद कर दिए, जो काफ़ी, मतलब पुंगी से जो थोड़ा ब्रॉड था, चौड़ा था और थोड़ा लंबा था, उसमें उसने क्या किया कि 7 होल्स कर दिए उसके पाइप जैसी बॉडी में। फिर जब उसने उसको बजाना शुरू किया, तो उसने क्या किया कि कुछ होल्स को उसने क्लोज़ किया, कुछ होल्स को ओपन रखा, तो काफ़ी सॉफ्ट और मेलोडियस सी साउंड जो है उसमें आने लगी थी। फिर उसने क्या किया, इस इंस्ट्रूमेंट को वहाँ पर जो रॉयल कोर्ट था वहाँ पर बजाया, तो सारे लोग इम्प्रेस हो गए। इंस्ट्रूमेंट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था पुंगी से, इसलिए उसको एक नया नाम दिया जाना ज़रूरी था। तो देखिए, ये पिक्चर में दिखा रखा है, पुंगी ऐसे हुआ करता था, बीच में से गोल शंख टाइप का, और शहनाई तो लंबी सी होती है। तो अब वो पुंगी से तो इंस्ट्रूमेंट काफ़ी अलग था, तो इसलिए उसको एक नया नाम दिया जा रहा था। तो पुंगी जो है, पहले पुंगी बोल रहे थे सब उसे, तो नया इंस्ट्रूमेंट जो है पहली बार शाह के चैम्बर में बनाया गया था, बनाया नहीं बजाया गया था। तो शाह के चैम्बर में बजाया था सबसे पहले, और बजाया किसने था, वो एक नाई था। तो दोनों को मिला करके इसका नाम पड़ गया शहनाई। तो शहनाई नाम कैसे पड़ा और की स्टोरी हम लोगों ने देख ली। फिर जो साउंड थी ना शहनाई की, उसको ऑस्पिशियस कंसिडर किया जाने लगा। ऑस्पिशियस का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो गुड फॉर्च्यून, अच्छा लक लेकर के आए। तो शहनाई की साउंड को ऑस्पिशियस माना जाने लगा, और आज भी इसी रीज़न की वजह से इसको टेम्पल्स में बजाया जाता है और एक इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट माना जाता है नॉर्थ इंडियन वेडिंग का। इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट का मतलब हो गया कि जिसको छोड़ा ही नहीं जा सकता, इसके बिना तो नहीं काम चल सकता। तो शहनाई ज़रूर बजाई जाती है नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में, शादियों में। तो पास्ट में क्या होता था, शहनाई पार्ट होता था नौबत या फिर ट्रेडिशनल असेंबलेंस ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट, मतलब रॉयल कोर्ट में जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे, जैसे कि 9 इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे, उनमें से एक जो है वो शहनाई भी हुआ करता था। और अब भी, आज भी क्या है, टेम्पल्स में और वेडिंग्स में तो इसको बजाया ही जाता है, मतलब टेम्पल और वेडिंग में तो शहनाई ज़रूर ही बजती है। क्रेडिट जो है इसको क्लासिकल स्टेज पर लाने का, बहुत ज़्यादा शहनाई को इम्पोर्टेंट बनाने का क्रेडिट जो है वो जाता है बिस्मिल्ला खान को। जब बिस्मिल्ला खान 5 साल के थे, तब उन्होंने गिल्ली डंडा जो है पौंड के किनारे खेलना शुरू कर दिया था। वो बिलोंग करते थे एंशंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। तो जो बिस्मिल्ला खान थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, दुमराव बिहार के वो रहने वाले थे। तो वो जो बिहार जी टेम्पल था वहाँ पर, वो भोजपुरी में चैता जो है वो गाया करते थे। और एट द एंड उनको, मतलब एक बार क्या हुआ कि उन्होंने बिहार जी टेम्पल में गाना गाया, टेम्पल्स में वो शहनाई भी बजाते थे और गाना भी गाते थे। तो वो उन्होंने एक प्राइज़ जीता, वो था
1.25 kg का एक लड्डू जो कि लोकल महाराजा थे उन्होंने गिफ्ट किया था। और ये वाली जो बात है ये 80 ईयर्स अगो जो है वो हुई थी। और द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। ये एक ऐसे म्यूजिशियन बने बिस्मिल्ला खान हमारे देश के, जिन्हें हमारे देश का हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड, सबसे उच्च नागरिक सम्मान मिला है, भारत रत्न। अब बिस्मिल्ला खान के बारे में हमें बता रहे हैं कि इनका जो बर्थ हुआ था वो 21 मार्च 1916 को हुआ था। बिस्मिल्ला खान जो है एक वेल नोन म्यूजिशियन की जो फैमिली होती है उसको बिलोंग करते थे और ये बिहार के थे। उनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वो शहनाई नवाज़ ऑफ भोजपुर खान जो थे, भोजपुर के जो किंग थे ना, सॉरी खान नहीं, भोजपुर के जो किंग थे उनकी कोर्ट में वो शहनाई बजाया करते थे। और उनके जो फादर थे उनका नाम था पैगंबर बख्श, एंड अदर पेटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। तो मतलब उनकी फैमिली के सारे लोग, मैक्सिमम जो लोग थे वो शहनाई प्लेयर्स थे। यंग एज में ही जो है इनकी लाइफ का काफ़ी पार्ट, इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया था म्यूज़िक। जब वो 3 साल के थे तो वो अपनी मम्मी के घर में गए हुए थे बनारस में। तो बिस्मिल्ला जो है काफ़ी फैसिनेट हुए, उनके जो अंकल थे उनको प्रैक्टिस करते हुए देखा जब उन्होंने शहनाई को, तब उन्होंने अपने अंकल को अकम्पनी करना शुरू कर दिया। उनके अंकल का नाम था अली बख्श। विष्णु टेम्पल जो था बनारस में, वहाँ पर जो है बख्श शहनाई बजाया करते थे। अली बख्श मतलब शहनाई प्ले करते थे, बिस्मिल्ला भी उनके साथ बैठ करके घंटों घंटों जो है वो प्रैक्टिस किया करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और धीरे धीरे उन्होंने शहनाई को बजाना सीखना शुरू कर दिया। सॉरी, फॉर ईयर्स टू कम टू टेम्पल ऑफ बालाजी, मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटाइसिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉल्टीट्यूड। तो बहुत कई सालों बाद जब वो और बड़े, थोड़े थोड़े बड़े होते गए, तो गंगा का घाट जो था, गंगा का किनारा, मंगल माया और बालाजी का जो मंदिर था वहाँ पर जो है बिस्मिल्ला खान प्रैक्टिस किया करते थे। यंग अप्रेंटाइज का मतलब है जो प्रैक्टिस करते हैं ना किसी भी चीज़ के, उनको अप्रेंटाइज बोलते हैं। तो काफ़ी घंटों घंटों तक जो है ये अकेले रह करके, सॉल्टिट्यूड का मतलब होता है अकेले होना, अकेले रहकर ये कई घंटों तक प्रैक्टिस किया करते थे। फ्लोइंग वाटर जो था गंगा का, वो इनको इंस्पायर करता था खुद को इम्प्रोवाइज़ करने में, नए नए रागास को बनाने में और खुद को इम्प्रूव करने में। जब ये 14 साल के थे बिस्मिल्ला खान, तो इन अपने एक अंकल के साथ ये इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए थे। और एट द एंड जब वो उनका पूरा हो गया था म्यूज़िक बजाना, उस्ताद फियाज खान ने उनकी जो है पीठ थपथपाई थी और कहा था मेहनत करो और तुम इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। फिर जब ओपनिंग हुई ऑल इंडिया रेडियो की लखनऊ में 1938 में, तो बिस्मिल्ला खां के लिए एक बड़ा ब्रेक साबित हुआ और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अफन हर्ड शहनाई प्लेयर बच गए, बन गए थे रेडियो पे। तो रेडियो पे इनकी शहनाई को काफ़ी ज़्यादा सुना जाने लगा था। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्ला खान पहले इंडियन बने जिन्होंने पूरे नेशन को ग्रीट किया अपनी शहनाई से। तो सबसे पहले शहनाई बिस्मिल्ला खान ने ही बजाई थी हमारी आज़ादी के बाद। उन्होंने मतलब अपना पूरा हार्ट जो है ना पोर्ड आउट, ही पोर्ड हिज हार्ट आउट, मतलब अपने पूरे दिल से उन्होंने जो राग काफ़ी जो है रेड फोर्ट पे बजाया था और ऑडियंस को और जवाहरलाल नेहरू के सामने उन्होंने ये बजाया था। और जो उनकी जवाहरलाल नेहरू की फेमस स्पीच है द ट्रस्ट विद द डेस्टिनी, और मतलब बहुत अच्छी स्पीच है, आप कभी यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा द ट्रस्ट विद द डेस्टिनी। हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम पे रात को, रात के 12 बजे के आसपास इन्होंने, नेहरू जी ने जो है वो स्पीच दी थी। हाँ, तो नेहरू जी की स्पीच से पहले बिस्मिल्ला खान ने अपनी शहनाई बजाई थी। बिस्मिल्ला खान को काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्होंने मेमोरेबल, बहुत ही यादगार परफॉर्मेंसेज इन्होंने दी हैं इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। इनकी पहली जो ट्रिप थी अब्रॉड वो अफ़गानिस्तान को थी, और वहाँ पर इन्होंने किंग ज़हीर शाह के लिए इन्होंने जो है वो शहनाई बजाई थी। और उन्होंने, किंग ज़हीर शाह ने जो अफ़गानिस्तान के किंग थे, इनको प्राइजलेस, बहुत ही मतलब अच्छे जो पर्शियन कारपेट्स होते हैं वो दिए थे एज अ सोवेनियर्स। देखिए, सोवेनियर्स ऐसी चीज़ होती है जिसको कोई मेमोरी, आपको, आप जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं और आप वहाँ की यादगार के तौर पर कोई चीज़ वहाँ से ख़रीद के लेके आते हैं कि हम वहाँ गए थे उसकी याद के लिए, तो वही होता है सोवेनियर। तो उन्होंने
अफगानिस्तान के किंग ने सोवेनियर के तौर पर उनको पर्शियन कारपेट्स गिफ्ट में दिए थे, और वो काफ़ी ज़्यादा उनको मतलब पसंद आया था वहाँ उनको भी और वहाँ के लोगों को भी। बिस्मिल्लाह खान का म्यूज़िक। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे इनकी जो है उसको सुन करके, शहनाई को, कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम ही रख दिया था गूंज उठी शहनाई। फिल्म काफ़ी बड़ी हिट हुई थी और बिस्मिल्ला खां के कंपोजिशंस भी इसमें पड़े हुए थे। फिर दिल का खिलौना है टूट गया, ये मतलब जो था ना गाना, नेशन वाइड चार्ट बस्टर रहा था, बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था पूरे मतलब इंडिया में। बिस्मिल्ला खां का जो वेंचर था वो मूवीज़ में काफ़ी कम रहा, दो तीन ही मूवीज़ में इन्होंने जो है वो वर्क किया था, जैसे विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवासन की जो एक कन्नड़ वेंचर था, कन्नड़ मूवी थी सनादी अपन्ना। फिर वो कहते हैं कि बिस्मिल्ला खां बताते हैं कि उन्हें जो आर्टिफिशियलिटी थी मतलब म्यूज़िक की मूवीज़ में वो उनको मतलब पसंद नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा वर्क नहीं किया मूवीज़ में। फिर अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस जो थे वो तो मतलब इनके बहुत ही ज़्यादा इनको अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिले हुए हैं, ये इंडिया से मतलब काफ़ी ज़्यादा बाहर इनको पूरे वर्ल्ड में इनवाइट किया जाता था, पहले इंडियन थे जिन्होंने विजिट जिनको इनवाइट किया गया था प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब US में इनको इन्वाइट किया गया था शहनाई बजाने के लिए। इन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड्स के और भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, जैसे कि वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कांस आर्ट फेस्टिवल, इन ओसाका ट्रेड फेयर। तो मतलब इंटरनेशनली भी ये काफ़ी ज़्यादा वेल नोन पर्सनैलिटी थे, और तेहरान में तो एक ऑडिटोरियम ही इनके नाम पर रख दिया गया है, तहार मौसीक उस्ताद बिस्मिल्ला खान, इनके नाम पे तेहरान में एक ऑडिटोरियम है। फिर नेशनल अवार्ड्स इनको देखिए, हमने पहले ही देख लिया था कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न तो इनको मिला ही हुआ है, बाकी इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी इनको दिए गए हैं। फिर 2001 में उस्ताद बिस्मिल्ला खां को इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न 2001 में इनको दिया गया। फिर विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड, मतलब कोवेटेड मतलब बहुत मच डिज़ायर्ड और बहुत ही बड़ा जो अवार्ड इनको मिला था, उन्होंने अपने दिल पे रखते ना कि पकड़े हुए, और उनकी आंखों में इतनी ज़्यादा खुशी थी। वो ये कहते हैं मतलब उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि अपने टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक दैट इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आर म्यूज़िक, कि अपने बच्चों को आप म्यूज़िक सिखाइए, ये हिंदुस्तान की हमारे देश की बहुत ही मतलब सबसे अच्छी धरोहर है, आज तो वेस्ट के लोग भी इंडिया का म्यूज़िक सीखने के लिए इंडिया में आ रहे हैं। वो कहते हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूमने के बाद भी जब खान साहब से पूछा जाता है कि आपको मतलब क्या पसंद था, फिर वो मतलब यही कहते हैं कि वो फॉन्ड है, बहुत ज़्यादा दीवाने हैं बनारस और दुमराव के, वही उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहें लगती हैं। एक बार एक US के स्टूडेंट ने उनसे कहा था कि वो उनके लिए एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं US में शहनाई सिखाने के लिए, और उस US के स्टूडेंट ने ये भी प्रॉमिस कर दिया था कि वो बनारस को और डुमराव को उस पूरे जहाँ पे वो रहे हैं उस रीजन को रेप्लिकेट कर देंगे US में, मगर खान साहब ने कहा कि क्या वो गंगा रिवर को भी ट्रांसपोर्ट कर देंगे US में उनके लिए। फिर वो रिमेंबर मतलब अपनी पूरी लाइफ को रिमेंबर करते हैं, वो कहते हैं सॉरी कि दैट इज़ वाई मतलब मैं अपनी किसी फॉरेन कंट्री में वो नहीं रह सकते, क्योंकि उनको सबसे अच्छी जगह तो गंगा का घाट और अपना दुमराव और बनारस वाला रीजन ही लगता है। जब वो मुंबई में होते हैं तो वो कहते थे कि वो बनारस के बारे में और गंगा के बारे में ही सोच पाते थे, और जब वो बनारस में होते थे तो वो यूनिक मत्था ऑफ दुमराव को मिस किया करते थे। फिर आगे वो बताते हैं मतलब कि उस्ताद बिस्मिल्ला खां एक लास्ट में ऑथर कहते हैं कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के, मतलब हमारे देश ने कितने अच्छे म्यूजिशियन दिए हैं उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इन्होंने एक तो ये है कि एक डिवोट मुस्लिम थे, मतलब अपने धर्म को पूरी तरीके से मानने वाले, फिर भी जो है वो शहनाई एक मंदिर में काशी विश्वनाथ टेम्पल में हर सुबह वो शहनाई बजाया करते थे। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का भी हमारे देश का रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के भी ये बहुत बड़े एक एग्जाम्पल हैं। फिर जो है
बिस्मिल्ला खान की जो डेथ हो गई थी वो 21 अगस्त 2006 में नियरली 90 की एज के टाइम पे उनकी जो डेथ हो गई थी। और जब उनकी डेथ हुई थी तो स्टेट फ्यूनरल उन्हें मिला था और गवर्नमेंट ने एक दिन का नेशनल मॉर्निंग जो है वो डिक्लेयर की थी। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।